ये आकाशवाणी है, जगत गुरु शंकराचार्य। आज प्रस्तुत है प्रभुलाल द्विवेदी के लिखे इस गुजराती नाटक के हिंदी नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी। रूपांतरकार हैं प्रवीण चंद्र रूपारेल और नाटक के निर्देशक हैं सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी, जगत गुरु शंकराचार्य। सेनापति, राज्य में शांति बनी रहे इसके लिए जितनी आवश्यकता शस्त्र बल की होती है, उतनी ही सच्चरित्र और नैतिक बल की भी होती है। महाराज, आज से हमारे राज्य में नए युग का उदय होगा। अब अनीति, अनाचार या पाखंड का कहीं भी अस्तित्व न रहे, ऐसा प्रबंध कीजिए। जो आ गया महाराज। महारानी, आपने मुझे। हाँ कीर्तिसेन, मैंने बुलाया है। इस राज्य के और मेरे सच्चे हितैषी तुम ही हो। क्या बात है महारानी? कीर्तिसेन, तुम्हें महाराज के पुनर्जीवन की घटनाओं में कोई रहस्य सा नहीं लगता? महारानी, मुझे लगता है महाराज का जीवन नहीं बदला, आत्मा बदल गई है। मेरे स्वामी की आत्मा तो जहां नियत होगा पहुंच गई है। अब इस समय इनकी देह में किसी और की आत्मा ने प्रवेश किया है, जो महासमर्थ, ज्ञानी, पुण्यात्मा है। ये पुण्यात्मा अब अपनी पहली देह में न लौट पाए, इसका प्रबंध करने का कार्य तुम्हें सौंपती हूँ। महारानी, अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को चारों ओर भेजकर खोज कराओ। यदि कहीं कोई प्रतापी, महारथी या समर्थ संत की चेतनाहीन देह दिखाई दे तो क्या? तो बिना किसी दुविधा के उस देह का अग्निदाह करवाने का प्रबंध करो, जिससे महाराज की देह में प्रविष्ट पुण्यात्मा अपनी देह में न लौट सके। किंतु महादेवी, इसका परिणाम? परिणाम जो भी हो, इसका उत्तरदायित्व केवल मुझ पर होगा। अच्छा बुरा जो भी परिणाम हो, मुझे स्वीकार्य है। जाओ, शीघ्रता करो। जो आज्ञा महारानी। अब विश्वास हुआ ना, आप किस अचेतन शरीर की खोज में हैं? वो वही है सामने गुफा में, शिला पर। प्रत्यक्ष देख लिया ना? हाँ, मैं तो इसे महारानी की कल्पना ही मानता था, पर अब सच्चाई समझ में आती है। ये शरीर जलाकर राख कर दिया जाए तो जगत गुरु की आत्मा राजवंशी देह में बंधी रहेगी और सन्यासियों के स्वामी पृथ्वी के स्वामी बन जाएंगे। ये तो भारत भूमि के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। परंतु शरीर की देखभाल करने वाले सन्यासियों से सावधान रहना। ठीक है, चलो उनसे मिले। प्रणाम सन्यासी जी। आइए, कैसे आना हुआ? राज आज्ञा का पालन करने के लिए। मैं महाराज अमरक का सेनापति हूं, कीर्तिसेन। राज आज्ञा है कि कहीं भी कोई अचेतन शरीर दिखाई दे तो उसका अग्निदाह कर दिया जाए। सामने गुफा में शिला पर जो अचेतन शरीर है वो मुझे सौंप दीजिए। ये किसका शरीर है आप जानते हैं? साक्षात जगत गुरु का। और ये शरीर अचेतन नहीं है, समाधि में है। फिर उसका अग्निदाह क्यों? सेनापति, आप तो क्षत्रिय हैं, संत साधुओं की रक्षा करने के स्थान पर आप इस समाधि शरीर का अग्निदाह करना चाहते हैं, यही है आपका धर्म? मेरा धर्म है आज्ञा पालन, फिर भी मैं हठधर्मी नहीं करना चाहता। 5 दिन की अवधि देता हूं,
तब तक इस शरीर में यदि चेतना ना आई तो इसका अग्निदाह किया जाएगा। किंतु याद रहे, इस उपवन में हर ओर मेरे सैनिकों का पहरा है, इसलिए इस शरीर को यहां से हटाने का प्रयास न करें। चलो यहां से चलें। चिदानंद जी, मुझे वेश बदलकर राजभवन जाना पड़ेगा। मैं गुरुदेव की आत्मा को तुरंत लौटाने का प्रयत्न करूंगा। तुम राजा सुदनवा को यह सूचना पहुंचाकर सहायता के लिए बुला लो। इस बीच अमरक के सेनापति अपना कार्य पूरा ना कर सकें, इसके लिए सावधान रहना। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, जाता हूं मैं। अद्भुत, अति सुंदर। आपकी प्रशंसा शब्दों में ही सीमित मालूम होती है। क्यों रानी कामकला? महाराज, प्रेम पाश में सदा प्रसन्न दिखाई देने पर भी भीतर से आप कुछ निर्लिप्त ही लगते हैं। सुरा, सुंदरी और प्रेम का सागर सामने लहराता हो, फिर भी जो उससे विरक्त रहे उसे क्या कहेंगे? हृदयहीन या योगी। तो तुम ही बताओ रानी मोहिनी, मैं क्या हूँ, हृदयहीन या योगी? अर्थात कहकर हम ही बंध जाएं। कृपा निधान, कोई गायक अपने साथी के साथ आया है, आपसे भेंट का प्रार्थी है। आने दो। गुरु बंधु, हाँ, इस राज वैभव में भी गुरुदेव का व्यक्तित्व पूर्णेंदु की भांति चमक रहा है। हाँ। वंदन पृथ्वीनाथ। प्रणाम महाराज। कहां से आए हैं आप लोग? जगत के जीव कहां से आते हैं और कहां जाते हैं कौन बता सकता है। वाह, उत्तर अनोखा है। आप क्या चाहते हैं? कृपा निधान, मैं जीवन नाटक खेलने वाला नट हूं। हमारा सूत्रधार खो गया है, उसकी खोज कर रहा हूं। कहां खो गया है तुम्हारा सूत्रधार? लगता है वो माया के आवरण के पीछे मनोहारी पुष्पों में रमण कर रहा है, असार में सार खोज रहा है। आपके सूत्रधार की खोज में मेरा भी सहयोग रहेगा। माधुर्य मूर्ति मोहिनी देवी। महाराज, एक आसव पात्र दीजिए। जो आज्ञा महाराज। गुरु बंधु, हाँ, हमारे स्पष्ट कटाक्ष होने पर भी गुरुदेव की सुरा और सुंदरी में ऐसी आसक्ति। हाँ, लो आसव पात्र आ गया, देखें आप। उन्होंने तो रानी के गले में हाथ डाल दिया, देखो। अब पर देखो देखो, हाँ। दूसरा हाथ तो जलती हुई धूपदानी पर है। हाँ। कृपा निधान, आपका हाथ। घबराओ नहीं अज्ञात गायक, मैं इसी प्रकार जी रहा हूं। एक हाथ संसार का सुख लूट रहा है और दूसरा जलती अग्नि पर सहिष्णुता व संयम के संस्कार पा रहा है। भोग और योग दोनों का यहां सह अस्तित्व है। अच्छा मोहिनी देवी, देवी कामकला जी, मैं कुछ समय के लिए एकांत चाहता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। जैसी आज्ञा महाराज। दासी चलो। कामकला जी, गायक की इस भेंट में कोई रहस्य छिपा हुआ लगता है। महारानी शर्मा को इसकी सूचना देनी चाहिए। चलो वहीं चलें। हाँ चलो चलें। चलो। गायक जी, मेरे शिष्य होने पर भी तुम मुझे समझ न सके। क्षमा कीजिए दयानिधि, हम आपकी लीला ना समझ सके और इस प्रकार कटाक्ष के तीर छोड़ते रहे। माया का बाहरी स्वरूप बड़ों बड़ों को भुलावे में डालने वाला होता है। पदपाद जी गुरुदेव, बताओ तो अचानक कैसे आना हुआ और वो भी वेश बदलकर। गुरुदेव, एक मास की अवधि कल पूरी होने को है। एक बार वो कापालिक किरात राज को लेकर प्रतिशोध लेने आया था, महाराज सुदनवा ने उसे रोका। अब यहां के सेनापति कीर्ति सेन आपके देह का अग्निदाह करने पर तुले हैं, सो हम धैर्य खो बैठे और। मेरी मूल देह का अग्निदाह और कीर्ति सेन, किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से महाराज। क्षमा चाहती हूं, प्रजा के कल्याण के उद्देश्य से ही मैंने आज्ञा दी थी। महारानी, आप जानती हैं मैं कौन हूं? जितना प्रताप योग का होता है उतना ही सतीत्व का भी होता है।
आपकी देह में दोबारा चेतना आई तभी मैं समझ गई कि वो आत्मा तो चली ही गई है और कोई अद्भुत चेतना इस देह में प्रकट हुई है। अब पता चला कि इस चेतना को प्रकट करने वाले हैं जगत गुरु शंकराचार्य, जो राजवंशी होकर भी वैभव और विलास के प्राचुर्य में कमल के समान निर्लिप्त रहकर प्रजा के कल्याण की ही चिंता करते हैं। उसकी अद्भुत लीला निहार रही हूं महाराज, और इसी कारण देह पति की होने पर भी दूर से ही उसे प्रणाम करती हूं। धन्य हो पतिव्रता, इतनी ज्ञानी होने पर भी मेरी देह को नष्ट करने की आज्ञा दी। धर्म और नीति का पालन करने वाला राजा प्रजा का भविष्य बदल देता है। आप जैसे समर्थ व्यक्ति के हाथ में राज्य की धुरी रहे तो सर्वत्र सत्य युग स्थापित होगा, इसी इच्छा से प्रेरित होकर मैंने याज्ञा की थी पूज्यपाल। महारानी, मैं हर घर में ज्ञान ज्योत जलाना चाहता हूं। धर्म की आत्मा निद्रा में पड़ी है, पाखंड और अनाचार सर्वत्र बढ़ गए हैं। परमात्मा का नाम केवल सौगंध खाने के लिए बचा है। इस दशा से संस्कृति का उद्धार करने के लिए तलवार नहीं, तप, सत्ता नहीं, संयम, भोग नहीं, त्याग आवश्यक है। क्षमा कीजिए भगवान, आपके जीवन के रहस्य को न समझते हुए आपके कार्य में जो विघ्न उपस्थित किए हैं इसके लिए क्षमा चाहती हूं। कल्याणमयी, अब मेरे जीवन का प्रत्येक पल महत्व का है, अतः इस शरीर का शीघ्र त्याग करना होगा। पद्मपाद जी गुरुदेव, लोगों को इस देह का अवसान होने की सूचना मिले इससे पहले तुम लोग चले जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भगवती जी महाराज, राज्य को आरक्षित न रखें। कीर्ति सेन के कुमार सूर्य सेन का राज्याभिषेक करके सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। मैंने जो नीतियां अपनाई उनका पालन कीजिए। त्याग करने और शुद्ध सत्वगुणी काया में लौटने के लिए तत्पर हो जाओ। ओम तत्सत। अब ये जीवन किस लिए? जय अम्बे। प्राणनाथ, ये क्या? राजमाता, ये क्या हो गया? रानी माता मूर्छित है और कामकला देवी, इनको क्या हुआ? कटारी से आत्महत्या कर ली है। अब मैं भी। महारानी, आपके पैरों के पास अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं। हाँ दासी, मैंने ही पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की है। अब मैं भी विदा। दौड़ो दौड़ो, महारानी अग्नि ज्वालाओं से घिर गई है। दया करो, दया करो, ए निरंजननाथ, दया करो। हे भगवान, ये अत्याचार रोकने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा? तुम्हारे महाराज सुधन्वा आए, इससे पहले ही मैं अपना कार्य निपटा लूंगा। कौन सा कार्य? कीर्तिसेन, ये क्या, एक राज्य का सेनापति सन्यासियों को बंदी बनाए? अरे सदगुरु के आसपास ये काष्ठ का ढेर किस लिए? ये राज आज्ञा से हो रहा है। ऐसी भी कभी राज आज्ञा होती है? इसका उत्तर यही है कि तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। शक्ति हो तो निकालो तलवार। मैं प्रस्तुत हूं। अरे महाराज आप? अरे काष्ठ में अग्नि ज्वालाएं, ये किसने? कापालिक, तुम यहां? तुमने? जी महाराज,
मेरी चिराभिलाषा आज पूरी हुई है। मेरा अब जो भी हो। पद्मपाल। हाँ, पर बड़ा विलंब हुआ। महाराज, आप भी गुरुदेव की देह को ना बचा सके, अब मेरा जीवन भी व्यर्थ है। इसी अग्नि में कूद कर प्राण त्याग करूंगा मैं। नहीं पद्मपाद, नहीं। मैं अभी जलते हुए काष्ठों को बिखेरे देता हूँ। पूज्यपाद की देह को बचाने के लिए मुझे भले ही अपने प्राणों की आहुति देने पड़े। अरे, गुरुदेव की देह में तो चेतना का संचार हो रहा है। अरे, वो तो खड़े भी हो गए। निरंजन नाथ, आपकी कृपा है। शांत शांत, व्याकुल ना हो। आगे आने का कोई साहस ना करे। यदि जगत को इस देह की आवश्यकता होगी तो जगत नयनता स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य की जय। क्षमा प्रार्थी हूं महाराज, आपके जीवन का रहस्य नहीं समझ सका और राज आज्ञा पालन करने को तैयार हो गया। क्षमा चाहता हूं। इस कार्य में ना धर्म का द्वेष और ना पाप का आवेश, सो ये क्षम्य ही है। चक्रवर्ती नरेश, कृपा सिंधु, आप भी कीर्ति सेन को क्षमा करें। जो आज्ञा। उसे अपना मित्र समझें और स्वर्गस्थ राजा अमरक के सिंहासन पर कीर्ति सेन के पुत्र का राज्याभिषेक करने में सहयोग दें। आपकी आज्ञा शिरोधार कृपा सिंधु। किंतु कृपा सिंधु, मेरी एक विनती है, आप मेरे राज्य में पधारें। अवश्य आऊंगा, पर दक्षिण पथ से लौटने के पश्चात इस घटना के कारण किसी को कोई दंड ना भुगतना पड़े, इसका ध्यान रहे। जो आज्ञा। पद्मपाद। आज्ञा गुरुदेव। अब मंडन मिश्र को सूचना भेज दो, एक मास की अवधि पूरी हो गई, अतः हम। प्रणाम भगवन। प्रणाम भगवन। कल्याण हो। सूचना भेजने की अब कोई आवश्यकता नहीं। पूज्यपाद, इस दास का जीवन अब आप ही की सेवा के लिए है। देवी सरस्वती, आपके प्रश्नों के उत्तर। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे उत्तर मिल गए। मैंने तो कभी की पराजय स्वीकार कर ली है। तो उन प्रश्नों का प्रयोजन? पति के प्रति कर्तव्य जो था, उन्होंने तो अब संन्यास धारण करने का निर्णय कर ही लिया है, अतः मेरा कर्तव्य अब पूरा होता है। तो अब आप? आप तो सर्वज्ञ हैं ही, दुर्वासा के शाप की अवधि अब पूरी हो गई है। इस लोक में मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब मैं ब्रह्मलोक जाऊंगी। उभय भारती, आप साक्षात सरस्वती हैं। मैं चाहता हूं मेरे प्रत्येक आश्रम में आपका निवास हो और अद्वैत मार्ग का प्रवाह शाश्वत रूप से बहता रहे। तथास्तु। देवी उभय भारती सदेह स्वर्ग से धार गई। अब विद्वान चूड़ामणि मंडन मिश्र। नहीं भगवान, आपका दास। नहीं, अब आप सुरेश्वर नाम से पहचाने जाएंगे और आपकी गणना मेरे प्रधान शिष्यों में होगी। मेरी अभिलाषा यही है गुरुदेव, कि आपका शिष्यत्व पाकर मायापाश से मुक्त हूं। इस प्रदेश का कार्य अब समाप्त हुआ, अब क्यों मेरे हृदय में ये आंधी सी, ये क्या हो रहा है? ये मन व्याकुल हो रहा है। कोई अगम्य खिंचाव है। ॐ तत्सत्। शंकर।
शंकर। इस देह को जन्म देने वाली जननी का स्वर। हाँ, अवसान का समय आया होगा। मेरा वचन, मेरा स्मरण का नामा, इससे प्रेरित मेरी आत्मा, मैं जहां कहीं भी होऊंगा मुझे तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर देगी। अब मुझे आज्ञा दो मां। उसके अवसान से पहले मुझे उसके पास पहुंच जाना चाहिए। ओम तत्सत। अरे, मुझे जन्म देने वाली देवी की ये दशा, मूर्छित है, रोगग्रस्त जर्जर देह, और शंकर के नाम का निरंतर जाप। भगवती क्षमामयी, भगवती क्षमामयी, तुम जिसका स्मरण कर रही हो, तुम आ गए बेटा, मेरे अंतर का संदेश तुम्हें मिला। बेटा कुशल तो हो। पृथ्वी स्वरूपा, जिसने अविनाशी अमर आत्मा को पहचान लिया उसका अकुशल तो होता ही नहीं। कल्याणमयी, अब क्या आज्ञा है? तुम मुझे भगवती कल्याणमयी पृथ्वी स्वरूपा ऐसे क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुम्हारी माँ हूं बेटा, और तुम मेरे पुत्र हो। संसार त्याग करते समय माता पिता, भ्राता भगने आदि संबंधों का भी त्याग किया है। तो इधर क्यों आयो? वचन पालन के लिए। तो लौट जाओ बाबा, मुझे परमहंस से कोई काम नहीं, जगत गुरु से भी नहीं। मुझे चाहिए प्यार से मां पुकारने वाला मेरा पुत्र शंकर। मां? शंकर। माता, मां तुम यहां कैसे, इस वृक्ष तले? टूटे पैर से स्नान करने निकली थी बेटा, गिर गई। तो स्नान किसी ने नहीं करवाया? कौन करवाता शंकर? अम्बा पानी ला रही थी, पानी मांगा तो भली बुरी सुनाकर चली गई। तो देखभाल के लिए कोई नहीं? संसार स्वार्थी है, ये तुम लोगों से कहते होगे, पर मेरा तो ये अनुभव है, जो कुछ पास था दे दिया, मेरे पास क्या रहा? देने के लिए आशीर्वाद, रहने के लिए झोपड़ी, निर्वाह के लिए भिक्षा की झोली, और सुनने के लिए ताने। क्या कहती हो माँ? तुम्हारी माँ हूं, फिर भी स्त्री हूं ना, मन की मारी हूं, कहकर दिल का बोझ हल्का कर लिया। माँ, तुम चाहो माँ तो
अन्नपूर्णा को बुलाऊं, गंगा यमुना ले आऊं, साक्षात धनवंतरी को तुम्हारी सेवा के लिए बुलाऊं? ना बेटा ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक बार आंख भर के तुझे देखने की इच्छा थी, सब पूरी हुई। बेटा तूने तूने कई लोगों को मुक्ति दिलाई है ना, अब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए बेटा, मुक्ति चाहिए। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, देखो ये मृग चर्म बिछाया है, इस पर बैठ जाओ, मन को स्थिर करो, वृत्तियों को एकाग्र करो, और जैसे मैं बताता हूं उस तरह ब्रह्म का ध्यान करो। नारायण 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 नारायण। पुनीत आत्मा परमात्मा स्वरूप में विलीन हो गई, जीवन का प्रथम और अंतिम कर्तव्य समाप्त हुआ। प्रणाम। अरे भाई आज बुढ़िया का चिल्लाना नहीं सुनाई देता, स्वर्ग धाम पहुंच गई। अरे शंकर कब आए? मां को वचन दिया था उसके अंतिम समय पर अवश्य आऊंगा, इसलिए आ गया। अब मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ। तुमने अपनी माँ की सेवा की, सन्यासी होकर धिक्कार है, धर्म भ्रष्ट। अच्छा तो अब आप ही इस देह को अंत्येष्टि संस्कार के लिए ले जाइए। सन्यासी होने पर भी तुम में सांसारिक ममता बनी है, तो अब तुम ही अंत्येष्टि संस्कार करो इसका। अस्तु, अग्नि तो दीजिए। हम अपने घर की अग्नि नहीं देंगे। अरे जा, किसी शूद्र के घर से मांग कर ले आ। मांगने के लिए जाना नहीं होगा, उनके सतीत्व के तेज से अग्नि अपने आप उन्हीं की देह से प्रकट होगी। जय सर्वभक्षक हुताशन। देखते क्या हुआ धम संबंधियों, स्वार्थी मूढ़मती परिवारजनों, अपने परिवार की सती को तुमने निस्सहाय किया और अग्नि संस्कार के लिए अग्नि भी नहीं दी। सुन लो मेरा शाप। शाप? तुम्हें कोई वेद विद्या नहीं देगा, सन्यासी तुम्हारे घर से भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे, और तुम्हें अपने मृतकों के शव अपने आंगन में ही जलाने पड़ेंगे। हमें तुम्हारे शाप का भय नहीं, तुम अपनी माँ की सदगति की सोचो। तुमने भले ही किसी चमत्कार से अग्नि प्रकट की हो, किंतु इससे तुम्हारी माँ का उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो हो गया, देखो तेजोमय स्वरूप धारण कर उसकी आत्मा जा रही है। जगतगुरु शंकराचार्य। अभी आप प्रभु लाल द्विवेदी के लिखे इस गुजराती नाटक के हिंदी नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रवीण चंद्र रूपारेल और नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। सहयोग महफूज हसन का था। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, वीणा होरा, रश्मि दर, सपना सैनी, अर्चना, मोनिका शर्मा, आशा चावला, किरण बब्बल, संगीता बजाज,
अरुणा कपूर, चमन कौशिक, सुरेंद्र वर्मा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेश शास्त्री, अभय भार्गव, मंगत राम, राजेंद्र वर्मा, योगेश कुमार जैन, शमशेर सिंह ठाकुर, वेद प्रकाश, ओपी राय, बी एस भटनागर और प्रवीण शर्मा। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।